हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दलिया की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने दलिया को इस तरह से बना लिया तो यकीन मानिए आप हर बार ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है और इसमें हम घी डाल देंगे। और अब मैं कटे हुए ड्राई फ्रूट यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नारियल डाल रही हूँ, क्योंकि नारियल को थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कटे हुए बादाम डाल दूंगी। और अब मैं यहाँ पे काजू और किशमिश डाल रही हूँ, क्योंकि काजू और किशमिश बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो इसे भुनने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। और घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं और 1 चम्मच यहाँ पे घी डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दलिया लिया है और इसे मैंने 15 मिनट के लिए धो के और भिगा लिया था। तो दलिया ये बारीक वाली दलिया है, आप मोटी वाली दलिया भी ले सकते हैं। और दलिया को भिगो कर बनाएंगे तो ये जल्दी बनेगी। और इसे हम घी में एकदम अच्छे से भुनेंगे। यहाँ पे घी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे तभी दलिया अच्छे से भुनेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दलिया जैसे जैसे भुन रही है ये कितनी खिली खिली लग रही है। तो एक एक दाना दलिया का खिल चुका है और इसे हम 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। और अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो पानी मैंने जितना दलिया लिया था उतना ही पानी लिया है। अगर आप मोटी वाली दलिया लेंगे तो इससे 1.5 गुना पानी लग सकता है आपको। और पानी डालने के बाद मैं अब इसे ढक दूंगी। और ढक के हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और ये दलिया बहुत जल्दी पानी को अब्सॉर्ब कर लेगी। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ। और गुड़ मैंने जितना दलिया लिया था उससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि दलिया एकदम फीकी होती है और ये दलिया के हलवा थोड़ी सी ज्यादा मीठी अच्छी लगती है। तो आप गुड़ की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं और गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं। और गुड़ डालने के बाद मैंने इसे थोड़ी से भी ढक दिया था ताकि गुड़ एकदम अंदर तक दलिया के जा सके। और यहाँ पे देखिए अब मैं कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ और 2 चम्मच मैं यहाँ पे खोया डाल रही हूँ। तो इसे मैंने घर पे बनाया था दूध को गाढ़ा करके। और खोआ डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास खोया या मिल्क पाउडर हो तो डालिएगा, नहीं तो इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। और ये दलिया बन के तैयार हो चुकी है। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी दलिया बन के तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, आप इस तरह से दलिया बनाएंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बच्चे भी खाएंगे बहुत ही अच्छे से। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये दलिया की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी में।